मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास टू, बच्चों आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने 3.4 पहले ही बता दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्ड विदाउट कैरी, यानी कैरी का आपको यहाँ पर जो है विदाउट कैरी दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं, यानी कैरी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल हम वन है, एड 256 एंड 432। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले हम इसको अरेंज करेंगे वंस टेंस हंड्रेड में। ठीक है, तो हम इसे अरेंज करेंगे, फिर क्या करें, राइट द नंबर्स इन द कॉलम्स ऑफ वंस टेंस एंड हंड्रेड। हम लिख देंगे यहाँ पे, अब है एड वंस सिक्स वंस प्लस टू वंस। क्या करना है, जो वंस प्लेस में है, क्या है सिक्स और टू है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट वंस। अब एट टेंस फाइव टेंस प्लस थ्री टेंस, क्या करना, टेंस प्लेस में फाइव और थ्री को ऐड करेंगे तो एट आएगा। अब एट हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स प्लस फोर हंड्रेड्स, तो टू और फोर हंड्रेड्स क्या हो जाएंगे, तो सिक्स हंड्रेड्स हो जाएंगे, यानी कितना आंसर आएगा हमारा 688। ओके स्टूडेंट्स, उस तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टू है, एट 143 214 एंड 121। तो इसको हम इसी तरह अरेंज कर देंगे वंस टेंस हंड्रेड में। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। देखिए, जैसे दिया हुआ एड वंस थ्री वंस प्लस फोर वंस, ठीक है, प्लस वन वंस, यानी एट वंस, एट वंस है ना। अब ऐड टेंस, टेंस में फोर टेंस प्लस वन टेंस प्लस टू टेंस इक्वल टू सेवन टेंस। ऐड हंड्रेड्स में क्या करेंगे, वन हंड्रेड, फिर क्या है टू हंड्रेड है, फिर यहाँ पे वन हंड्रेड से, यानी फोर हंड्रेड्स। ओके स्टूडेंट, यानी क्या आंसर आ गया हमारा 478। अब हम एक्सरसाइज कर आते हैं, ऐड द फॉलोइंग, क्या है यहाँ पे थ्री प्लेसेस में है, सिक्स और थ्री कितने हो गए बच्चों, तो नाइन, और थ्री और फोर सेवन, और यहाँ टू है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी टू का टू। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, तो 172, और यहाँ क्या है 26, तो टू और सिक्स कितने हो गए, कितने हो गए स्टूडेंट्स, एट, सेवन टू कितने हो गए, नाइन, और ये क्या हो गए, वन। तो उसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या कीजिएगा, इसे आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा और सब, ठीक है। बाकी कितने यहाँ पे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो आप 12 क्वेश्चन को अपने कॉपी में पहले बुक में कीजिएगा, उसके बाद आप इसे अपने कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। एकदम आप लोग को कॉलम भी बनाना है, जिस तरह से एकदम लाइनिंग किया हुआ है, आप लोग को भी वैसे लाइनिंग करके ही बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।